ज़्यादा नमक खाने से भी पेट का कैंसर हो सकता है, और यही नाइट्राइड्स हमारे जठर या स्टमक के लिए कैंसर का कारण बन सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित झा, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे से। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे कि पेट के कैंसर के क्या प्रमुख कारण है। आपको पता नहीं होगा बट ये वीडियो में मैं आपको सरप्राइज दे सकता हूँ, क्योंकि पेट के कैंसर के बहुत कॉमन कारण है। सबसे इम्पोर्टेंट, आप अगर प्रोसेस्ड रेड मीट जिसे हम बीफ बोलते हैं, आप कोई भी बर्गर खा रहे हैं या बहुत तला हुआ ये बीफ खा रहे हो, तो इससे पेट के कैंसर का यानी स्टमक कैंसर होने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ सकती है। कोई भी हाईली प्रोसेस्ड फूड, जब हम मॉल में जाते हैं कोई भी हाईली प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो टेम्परेचर रहता है उसमें जो ये मीट या जो पकाया जाता है वो बहुत 400 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस पे पकाया जाता है। तो उसमें क्या रहता है, जो मीट में प्रोटीन्स रहते हैं नाइट्रेट्स का नाइट्राइट में कन्वर्जन होता है, और यही नाइट्राइट्स हमारे जठर या स्टमक के लिए कैंसर का कारण बन सकते हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत स्टोर्ड मीट रहता है या स्टोर्ड फूड रहता है, तो कोई भी नॉनवेज हम ज़्यादा दिन डीप फ्रीजर में स्टोर करते हैं और वो यूटिलाइज करते हैं खाने में, तो इससे भी पेट का कैंसर हो सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा नमक खाने से भी पेट का कैंसर हो सकता है। अगर हम देखेंगे इंडियन डाइटरी एसोसिएशन का जो एडवाइस है, उसमें रिकमेंडेड डेली सॉल्ट इंटेक मतलब नमक हमें 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, बट ऑन एन एवरेज कोई भी इंडियन 10 से 12 ग्राम नमक खाता है, और यही नमक का प्रमाण हमारे पिकल्स या प्रोसेस फूड में, क्योंकि वो प्रोसेस फूड स्टोर करने में नमक का इस्तेमाल ज़्यादा होता है, तो नेचुरली हमारा नमक या सॉल्ट का इंटेक बहुत ज़्यादा हो जाता है, और ये हाई सॉल्ट इंटेक इज वन ऑफ द कॉज और स्टमक कैंसर। तो इस वीडियो में हमने जानकारी ली स्टमक कैंसर या पेट का कैंसर होने के प्रमुख कारण क्या है, तो हाई मीट इंटेक, दूसरा प्रोसेस्ड हाईली प्रोसेस्ड फूड, सॉल्टेड फूड और नमक का ज़्यादा इस्तेमाल, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तो आप सभी को पता है, कोई से भी फॉर्म का स्मोकिंग, तंबाकू का इस्तेमाल या शराब का इस्तेमाल या अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा तौर पर ये स्टमक के कैंसर या पेट के कैंसर के प्रमुख कारण है। पेट के कैंसर के बारे में आपको और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन पूछे, आपके क्वेश्चन को आंसर करने में हमेशा हमें आनंद ही होगा, खुशी होगी। धन्यवाद।